सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, क्योंकि आज मैं अपने घर से 150-200 किलोमीटर कम से कम दूर आया हूँ, जो कि ब्यास नदी पे एक बांध बना है जिसका नाम पोंग बांध है। वहाँ पे आया हूँ। उसके जो बूंजा गेट है, जो मेन बांध है, जहाँ पे उसके चार ही गेट हैं, जहाँ से पानी छोड़ के उसको स्टॉक करते हैं, वो बूंजा गेट जगह का नाम है। और मेरे डी से 52 ही गेट है, तो उस जगह का नाम बूंजा गेट पड़ा है। तो आप लोगों को उधर लेके जाने वाला हूँ। तो गाइज, मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन बटन को प्रेस कर ले, ताकि मेरी ऐसी हर एक मजेदार वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं बूंजा गेट की तरफ, तो आगे का जो भी अच्छा व्यू होगा हम आप लोगों को जरूर दिखाएंगे। गाइस, जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं वो बूंजा गेट है। वो आपको अभी मैं पास जाके दिखाता हूँ। कम से कम हमसे 100-150 मीटर दूर है, बट मैं आपको अभी पास जाके दिखाता हूँ ये गेट। गाइस, अभी हम इनके पास पहुँच गए हैं, बूंजा गेट के पास। आप लोग देख सकते हैं ये सामने है, ये कुछ गेट इस साइड हैं, कुछ दूसरी साइड हैं, जो बिल्कुल मतलब कि राजस्थान को नहर गई है, उसका नाम शाह नहर है, और वो पंजाब से होके निकलती है। आप लोगों को वो भी मैं पास से जाके दिखाऊँगा, और आप लोग इसको भी अभी यहाँ से देख सकते हैं। सारे जो हैं इन्हीं गेटों को बूंजा गेट बोलते हैं, मतलब 52 गेट्स हैं ये, इसलिए इनका नाम बूंजा गेट पड़ा है। और अब हम उसी साइड हो गए हैं, और अभी मैं आप लोगों को इधर का दृश्य दिखाता हूँ। ये देख लो आप लोग, कितना अच्छा व्यू है इस साइड का भी, और ये इनके जो मेन गेट है, जो ब्यास नदी पर यह बांध बना है, जो ऊपर वाली साइड है, यहाँ पे उसके 4-5 गेट है मेन। अगर उनसे पानी छोड़ें तो वो यहाँ पे आके रुकता है, यहाँ पे ये 52 गेट है, वहाँ पे आके पानी रुकता है। गाइस, ये आपका साइड का व्यू भी देख सकते हो कितना मस्त है, और चाहे इस गेट बूंजा गेट वाली साइड देख लो, यहाँ पे भी बहुत मस्त व्यू है। मतलब ये सारा बहुत मस्त लोकेशन है, आप लोगों को ये सारी दिखाऊंगा मैं। बस आप लोग मेरी वीडियो के एंड तक बने रहें, और जो आगे शाह नहर है वो भी आप लोगों को मैं इस वीडियो में ज़रूर दिखा दूँगा। बस आप वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। गाइस, तो अभी हम जो हैं कि बूंजा गेट पे आ चुके हैं, जो मैंने आपको बताया था जाने वाला हूँ, जहाँ पे 52 गेट हैं। तो अब वहाँ पे मैं आपको वो नहर दिखाता हूँ जिसका नाम शाह नहर, और जहाँ से पानी राजस्थान को जाता है पंजाब से होके, जो राजस्थान के लिए स्पेशल बनाई है, आपको वो जगह दिखाता हूँ। गाइस, ये रही वो नहर जहाँ से पानी सीधा राजस्थान जाता है, ये राजस्थान के लिए बिल्कुल बनाई हुई है, पंजाब से होके जाता है ये राजस्थान को, इसका नाम है शाह नहर। यहाँ व्यू भी देख सकते हो, व्यू भी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, ये देख लो। ये गाइस, ये पोंगवान से ये पानी निकल के आ रहा है, जो बूंजा गेट बताया ना मैंने आपको, ये कुछ गेट इस साइड है, कुछ दूसरी साइड है, उधर से ये पानी निकल के आ रहा है, ये सीधा अभी राजस्थान के लिए बनाई है स्पेशली नहर। और गाइस, ये पास में एक छोटा सा वो बना है, गार्डन बना है, आप लोग देख सकते हो, ये बूंजा गेट के बिल्कुल पास में बड़ा अच्छा छोटा सा गार्डन बना है जो मेरे पीछे है, ये आप लोग देख सकते हो। और मैं अभी आपको यहाँ से भी बूंजा गेट दिखाता हूँ, और ये सारा पार्क भी दिखाता हूँ। ये बना है छोटा सा गार्डन पार्क इधर बूंजा गेट के पास, ये आप लोग देख सकते हो, ये सामने बूंजा गेट भी देख सकते हो, ये साइड से ऐसे हैं, जब पानी छोड़ते हैं इधर से आता है पानी, ये इन गेटों से ऐसे इस तरीके से, ये आप लोग नीचे देख लो, ये पानी पहले से छोड़ा हुआ है, ये ऐसे जाता है जब छोड़ते हैं। अभी भी छोड़े हैं बीच के, कुछ गेट छोड़े हैं, वो बीच में बीच से छोड़े हैं, ये साइड के तभी छोड़ते हैं, बहुत एमरजेंसी हो। और गाइस, मैं आपको ये बता दूं कि ये लोकेशन हिमाचल में है, जो कि बिल्कुल पंजाब के बॉर्डर के पास है, तलवाड़ा के पास में है। और गाइस, क्या बोलते हैं, यहाँ पे बहुत लोग घूमने आते हैं, आप लोगों को कभी टाइम लगेगा तो आप ज़रूर इधर घूमने आना, बहुत अच्छा प्लेस है ये। अभी शायद फ़ोन में मैं इतना बेटर तरीके से आपको ना भी दिखाया पाया हूँ, अपने कैमरा प्रॉब्लम की वजह से या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, बट नाइस प्लेस है, कभी गाओगे तो ज़रूर घूमना इधर भी। गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो, कैसी लगी मेरी वीडियो लाइक कमेंट करके मुझे जरूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लेना, ताकि मेरी आने वाली हर एक मजेदार वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।